अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे ये व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज मैं आपको बता सकूं कि इमरान खान साहब ने टिकटॉक पर इतने सारे व्यूवर्स कैसे हासिल किए, इतनी सारी व्यूवरशिप अचानक कैसे हासिल कर ली, और वो भी 24 घंटों में। तो उसके लिए जो है पहले जो है बहुत अच्छी यानी कि वे ऑफ टॉकिंग करनी पड़ती है, आप उसके अंदर जो है बहुत अच्छा यानी कि कॉन्टेंट उसमें डालना पड़ता है, और टिकटॉक में उसी हिसाब से जो है फिर व्यूवर्स भी आते हैं और फॉलोअर्स भी आते हैं। तो कंटेंट बहुत, जैसा आपका कंटेंट होगा, जैसी आपकी बात होगी, जैसा आपका यानी कि क्राइटेरिया होगा वर्किंग का, जैसा आप उसमें, जैसे कि अगर आप अपने फ़नी चीज़ें उसमें डालते हैं या लोगों से आके फ़नी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मैं कराची में रहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कराची के अंदर जो है गोलीमार एक जगह का नाम है, लागन चौरंगी एक जगह का नाम है, तो उनसे यानी कि वहाँ के रिहायशी आसपास के गुजरने वालों से अगर आप फ़नी सवाल करने पूछें शुरू कर देंगे कि नागन चौरंगी का नाम कैसे पड़ा, तो वो तो आपको कहानियाँ सुनाना शुरू कर देगा ना। और फिर अगर आप पूछेंगे कि भाई गोलीमार का नाम कैसे पड़ा, तो वो भी आपको गोलीमार की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देगा। बोले गोलीमार यहाँ पे कोई गोलीमार के किसी को चला गया था, तो वो जो है ना उसका नाम गोलीमार पड़ गया। और अगर हम नागन चौरंगी की कहानी सुनाएंगे तो फिर यानी कि सवाल पूछेंगे कि नागन चौरंगी का नाम नागन चौरंगी कैसे पड़ा, तो वो आपको या तो कुछ पुराने जो लोग होंगे उनके जहनों में मौजूद होगा, तो वो बोलेंगे कि भाई यहाँ पर जो है पहले यानी कि यहाँ के जो रास्ते जो थे वो टेढ़े मेढ़े बने हुए थे, इस वजह से इसका नाम नागन चौरंगी पड़ गया था। और कुछ लोग आपको कहानियाँ सुनाएंगे कि भाई यहाँ से जो है ना कोई सांपों का जोड़ा, नागिन का जोड़ा गुजरता था, वो सांप मर गया और उसके बाद जो है ना नागिन उसमें से गायब हो गई, तो इसका जो है जगह का नाम नागिन चौरंगी पड़ गया। तो भाई इस तरह की कहानियाँ अगर आप सुनाना शुरू कर देंगे और उसके बाद टिकटॉक पर जब ये चीज़ें डालेंगे तो वो तो वायरल होगी। तो इमरान खान साहब का कॉन्टेंट भी जो है इसी तरह वायरल हुआ, पूरी दुनिया से लोगों ने देखा और उसमें फॉलोअर्स भी उसी हिसाब से आए और व्यूवरशिप तो इतनी आई कि आपकी और मेरी सोच है। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब का कंटेंट जो है वो पूरी दुनिया में सुना जाता है, मैं भी कभी कभी सुनता हूँ लेकिन कभी कभी, रोज़ाना नहीं सुनता मैं। और इमरान खान साहब की टिकटॉक का जो है व्यूवरशिप इस तरह से आ गई, और जिसकी वजह से टिकटॉक के मालिक ने भी इमरान खान साहब का कहा कि भाई आप जो है ना इस तरह से जो है वो यानी कि उनको मुबारकबाद पेश की टिकटॉक के जो मालिक है उसके मालिकान ने, ऑनर्स ने, डायरेक्टर्स ने, कि इतनी सारी व्यूवरशिप 24 घंटे में कैसे आ गई। तो खैर जो है पूरी दुनिया से लोगों ने देखा, पाकिस्तान के अंदर से भी देखा, पूरी दुनिया के कई ममालिक के अंदर से देखा। तो इमरान खान साहब का तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि एक इंटरनेशनल आदमी है, इंटरनेशनल प्लेयर है इमरान खान साहब, और पाकिस्तान का से वर्ल्ड कप उन्होंने मैच जीता था, और पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, पूरी दुनिया में अगर आप इमरान खान साहब की तस्वीरें लोगों को दिखाते पूछते पड़ेंगे ना कि ये कौन है, तो बताएंगे यार ये इमरान खान है। और वो बहुत सारे उसमें फॉरनर्स ऐसे होंगे जो उर्दू इंग्लिश जबान उर्दू जानते भी नहीं होंगे और पाकिस्तान की तरफ कभी आए भी नहीं होंगे, तो वो आपको कुछ लोग आपको कहेंगे कि ही वॉज अ प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और कुछ लोग बोलेंगे कि ही वॉज अ क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, ही विन द यानी कि वो क्या वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप मैच, और इसने ट्रॉफी जीती थी वर्ल्ड कप की। तो इमरान खान साहब को लोग इस तरह से जानते हैं, तो इस तरह से इमरान खान साहब की वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने उनको देखा, और उसके बाद जो है उनकी व्यूवरशिप इतनी बड़ी कि आपकी और मेरी दोनों की सोच। तो कंटेंट जितना अच्छा होगा, जितना पायदार होगा, जितना मज़ेदार होगा, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो फेसबुक हो, कंटेंट आपका वायरल होगा। बहुत से लोगों का वायरल होता है, और किस तरीके से होता है, जैसे कि आजकल आपको बता दिया जाए कि गवर्नर साहब जो है नौजवानों पर बहुत काम कर रहे हैं, नौजवानों की खुशहाली पर बहुत काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उसके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए गवर्नर साहब जो है अपनी तरफ से इकदाम कर रहे हैं, अपने सेल्फ से कदम उठा रहे हैं, चलते फिरते वाला भी उनको बहुत यानी कि कवरेज दे रहा है, और ठीक उसी तरह JDC वाले जफर अब्बास भाई वो भी उनके साथ 24 घंटे मौजूद हैं। मैंने भी रिसेंटली देखा कि टेस्ट जब हो रहा था गवर्नर हाउस में, तो बहुत बड़े बड़े फॉरनर्स उसमें आए हुए थे, और फॉरनर्स में काउंसिल जनरल्स आए हुए थे, काउंसिल जनरल्स को इंगेज किया हुआ था कि इस तरीके से जो है ना यहाँ पर टेस्ट होंगे, और जो टेस्ट में अच्छे नंबर से पास होगा उसको कुछ एक आध काउंसिल जनरल ने कहा है कि भाई इनको हम वीज़ा अपने पास से देंगे। तो भाई ये तो अपॉर्चुनिटी लेकर आए ना वो गवर्नर साहब। तो कहने का मकसद ये है कि उनका कंटेंट भी इसी तरीके से वायरल हो रहा है। JDC भाई जो है लोगों की, जफर अब्बास भाई जो है लोगों की मदद करते हुए नज़र आते हैं, बहुत सारी वीडियो बनाते हुए नज़र आते हैं, और उसमें कोई ना कोई ऐसा कंटेंट होता है जिसमें जो है लोगों की भलाई हो, लोग वीडियो वायरल हो,
और मतलब यानी कि जो लोगों की भलाई के लिए होता है, कभी किसी की मदद कर रहे हैं, कभी किसी के लिए स्टॉल लगा के दे रहे हैं, कभी जो है एम्बुलेंस वगैरह के लिए इफ्तिताह कर रहे हैं, कभी वो जानवरों के हिस्से फ्री बांट रहे हैं, कभी जो है वो ओल्ड एज होम की तरफ जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो वहाँ के यानी कि ओल्ड एज होम के एजड लोगों को, जिनको बहुत से जो है लोग अपने पास नहीं रखते और उनको घर से निकाल देते हैं, नौजुबिल्ला तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उनको JDC भाई जफर अब्बास साहब ने जो है ओल्ड एज होम में रखा हुआ है, उनकी बहुत तीमारदारी और खिदमत कर रहे हैं, और समझ लो कि दुनिया की नेकियां समेट रहे हैं वो मेरे नज़दीक, तो लोगों से दुआएँ समेट रहे हैं। तो वो इस तरह से कॉन्टेंट उनका वायरल होता है और वो बहुत काम का काम कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि टिकटॉक पे कैसे इमरान खान साहब का कंटेंट वायरल हो गया। इमरान खान साहब जो स्पीच करेंगे वो तो वायरल हो ही जाती है, और हर रहनुमा की, हर सियासी रहनुमा की हो रही है, हर सकाफ़ती रहनुमा की भी हो रही है। और तो इमरान खान साहब क्या चीज़ है, उनका 24 घंटे में इस तरह से वायरल हो गया और व्यूअरशिप इस तरह से उनकी बढ़ी। खैर, आपको नज़र रखनी है कि कॉन्टेंट पर, कि आपका कॉन्टेंट कैसा होना चाहिए, और वीडियो कॉन्टेंट आपका जितना अच्छा होगा, जितना परफेक्ट होगा, जितना उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा, अब तो खैर मैं तो मोबाइल से बना रहा हूँ, मोबाइल से जैसा रिज़ल्ट आ सकता है वही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना वायरल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब इसी तरह वायरल हो गए, उनकी वीडियोस वायरल हुई और पूरी दुनिया से लोगों ने देखा, फिर उसके बाद जो है आखिरकार जो है टिकटॉक के मालिकान ने भी उसको देखा। तो टिकटॉक के मालिकान उर्दू नहीं समझ पाएंगे, लेकिन उनको कुछ कुछ इंग्लिश के जुमले समझ में आ गए होंगे, कुछ कुछ अल्फाज समझ में आ गए होंगे, कुछ कुछ उनका कहना समझ में आ गया, फिर पूरी दुनिया में न्यूज़ भी अलग छप गई उनकी। तो खैर, इस तरह से होती है वीडियो वायरल, उसके लिए वीडियो कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, रिज़ल्ट बहुत क्लियर साफ होना चाहिए। और खैर, मैं तो अपना बैकग्राउंड भी मेरा बस ऐसा ही है मेरे घर का, तो फिर उसके बाद जो है मैंने इस तरह से अपनी वीडियो बनाई है। आपको बताने का मकसद ये है कि कंटेंट इस तरह से वायरल होता है, आप भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, आप चाहें तो अपने इलाके के पार्क के लिए कर सकते हैं। जैसे एक 11A नॉर्थ कराची में जो है एक काउंसलर हैं अतीब साहब, काउंसलर है, एक नौजवान काउंसलर है जमात इस्लामी से, तो वो आजकल अपनी वीडियो, खैर वो तो वीडियो तो मैं उनकी देख रहा हूँ कि 3-4 साल से बना रहे हैं, वो 5-6 साल से, और वो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करते हैं, तो वो काम करते हैं, उसकी वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहे होते हैं। तो समझ में आ गई होगी आपको बात कि ऐसा ऐसा वो भी एक दिन वायरल हो जाएंगे। तो कंटेंट इस तरह से वायरल होता है, और बहुत अच्छा कंटेंट रखेंगे आप, खुद ब खुद वायरल होना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और लोगों तक ये पैगाम पहुंचाइएगा कि आपका वीडियो कंटेंट जितना अच्छा और जितना ज़बरदस्त होगा उतना आपका कंटेंट वायरल होगा। शुक्रिया, मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।